प्रणाम सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री राज ग्रंथ के प्रकरण 12 तक की चौपाइयों का पाठ किया, तो आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। वालैया रमाड़े रे अमने नव नवे रंग, जेम जेम रमिये रे तेम तेम वाधे रे उमंग। प्रियतम, हमें नए नए रंगों में रंग कर रामत खेला रहे हैं। रामत खेलने में जिस प्रकार गति की तीव्रता बढ़ती जाती है, उसी प्रकार प्रेम की तरंगे भी बढ़ती जाती है। सकल मलियोरे साथ शोभे वालैया संघात, जानिए उदयो प्रभात तिमिर भाजियो रात, सोहे वृंदावन। सखियों का समूह प्रियतम के साथ ऐसा आभापूर्ण दिखाई देता है मानो रात्रि का अंधकार हट गया हो और सखियों तथा श्री कृष्ण की जाज्वल्यमान प्रभा के कारण प्रातः काल को हो चुका हो। इस प्रकार वृंदावन अत्यंत रमणीय बन गया है। भूषण जलहलकार नंग तो तेज अपार, ज्योत तो अति आकार वस्त्र सोहे श्रृंगार, मोहे वालो मन। सखियों के आभूषण तेजोमय प्रकाश से चमक रहे हैं। इन आभूषणों में जड़ी रत्नों का तेज भी अपरिमित है। ब्रह्मात्माओं तथा श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजोमय है। इसी प्रकार वस्त्र और श्रृंगार भी अपनी तेजोमय दीप्ति के कारण शोभा दे रहे हैं और वे प्रियतम के मन को मोहित कर रहे हैं। श्रृंगार सर्वे सोहे वालो जी खंत करी जुए, जानिए मूल कारे होय तारतम बिना नव कोय, जाने एह धन। सखियों का श्रृंगार अति शोभा युक्त है। प्रियतम भी उन्हें उत्सुकतावश देख रहे हैं, मानो मूल परमधाम से ही यह प्रेम संबंध है। किंतु तारतम ज्ञान के बिना कोई भी इस अखंड निधि को नहीं जान सकता। वालो जी अति उलास मन माहे रलियात, पूर्वा सुंदरीनी आश मरकलड़े करे हांस, उलट उत्पन्न। प्रियतम, श्याम सुंदर अत्यंत उल्लासित हो रहे हैं। सखियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे मंद मंद हास्य बिखेर रहे हैं। इस हास्य के कारण उत्साह में वृद्धि होती है और प्रेम भी तीव्र गति से बढ़ता है। सुख तो वाला जी ने संग अर्धांग लिए रे अंग, जुवती करती जंग रमे नव नवे रंग घनु जशन। अखंड सुख की प्राप्ति तो प्रियतम के सानिध्य में ही है। श्री श्यामा जी अर्धांगिनी के रूप में प्रियतम श्याम सुंदर का सुख प्राप्त कर रही हैं। सखियां भांति भांति के रंग रंग से प्रेम की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। सुंदरी वल्लभ बने करे इच्छा मन गमे, रीस तो कोई ना खमे
नीच तो भाखे नान में, बोले बल ताना। सखियां और वल्लभ दोनों अपनी अपनी इच्छा अनुसार लीला करते हैं, कोई क्रोध सहन नहीं करता, कटु वचन से कोई किसी से नहीं झुकता, अर्थात कोई किसी से कम दिखाई नहीं देता। सभी मधुर गीतों द्वारा रासलीला का आनंद ले रहे हैं। चालती चतुरारे चाल, मुख तो अति मछराल, सोहंती कट लंकाल, चढ़ती जाड़े घंटाल, प्रेम काम सिंध। सखियां चातुर्यपूर्ण चाल चल रही है, उनके मुख कमल प्रेम की मदपूर्ण लालिमा के कारण खिल उठे हैं, चढ़ती हुई घंटी सदृश उनकी पतली कमर सुंदर लग रही है, वे प्रेम रूप कामना की सागर समान है। छेलाइए अति छेल, वल्लभ संगाते गेहल, प्रेम तो पूरो भरेल, श्याम संगे रंग रेल, वाले बाहुड़ी बंध। सखियां रामत करने में अति कुशल है, प्रियतम के साथ खेलते समय मानो वे उन्मादित हो जाती हैं, उनके हृदय में उत्कंठ प्रेम भरा हुआ है, इसीलिए श्याम सुंदर श्री कृष्ण को वे उन्मत होकर गले लगा लेती हैं। वाणी तो बोले विशाल, रमती रमती आल, कंठ तो झाक जमाल, अंग तो अति रसाल, सोहंती रे सनंद। सखियां प्रेम पूर्ण मधुर तथा सार गर्भरित वाणी का आदान प्रदान कर रही हैं, खेलते समय विनोदपूर्ण परिहास करती हैं, उनके कमनीय कंठों से जोश्वर मुखारित हो रहे हैं, अर्थात वे मधुर राग रागिनियां आलापती जा रही हैं, उनके अंग प्रत्यंग प्रेम रस से भरे हुए हैं, वे सर्व रूपेण शोभायमान दिखाई देती हैं। गावती सुचंग रंग, आनती अति उमंग, स्वर एक गाय संग, अलबेली अति अंग, वासनाओ सुगंध। सखियां अत्यंत उत्साह में आकर सुमधुर स्वरों से गीत गाती हैं, उनके कंठों से एक साथ एक ही स्वर में गीत निश्रुत होते हैं, उनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक और उन्मादपूर्ण दिखाई देता है, इन ब्रह्म वासनाओं के अंग प्रत्यंग से सुगंध फैल रही है। वल्लभ कंठ वलाय, लिए रंग धाय धाय, रामत करे सवाय, पाँची नव राखे काय, उभी रहे रे ओ कंध। सखियां कभी तो प्रियतम श्री कृष्ण के गले लिपट कर और कभी आवेग में आकर दौड़ती हैं तथा प्रेमानंद के रस का पान करती हैं, इस प्रकार उत्तरोत्तर भांति भांति की प्रेम क्रीड़ाएँ करती हैं, इन बातों में वे लेश मात्र भी पीछे नहीं हटती, अपितु दृढ़तापूर्वक खड़ी रहती हैं। इंद्रावती अंगे आप, वालाजी सुन करे विख्यात, मुख तो मेले संघात, अमृत पिए अघात, सुख तो लिए रे सुंदर। स्वयं इंद्रावती प्रियतम श्री कृष्ण के साथ रामत करती हुई
वार्तालाप करती है, एक दूसरे के मुख कमल का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार असीम प्रेमामृत का पान करती हुई सखियाँ प्रेमानंद के सुख का अनुभव कर रही हैं। प्रकरण 13, चौपाई 440। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ हम श्री राज ग्रंथ के प्रकरण 13 की चौपाइयों का पाठ पूर्ण करते हैं। आगे के पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।